हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन टूडेज प्रीमिक्स जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल विद रिगार्ड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो कि बहुत ज़रूरी हो सकते हैं फॉर योर प्रीलिम्स राइट एंड उसी को डिस्कस करेंगे हम आज आल्सो इफ यू स्टिल डोंट नो हु द सीमा आंटी इन द नेल इज देन आई थिंक यू शुड जस्ट गो हैव अ लुक एट वॉट इज ट्रेंडिंग ऑन नेटफ्लिक्स ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिफोर अप्रोचिंग जिस टू लेट यू नो कि हमारा यूपीएससी का सेकेंड मैच जो है फॉर यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन बैच टू जो है लॉन्च हो गया है ऑन गोइंग है उसकी जो एडमिशन है तो ज़रूरी है दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन यू रियली शुड बी एनरोल यू शुड बी स्टार्टिंग टू स्टडी फॉर यू पी एस सी बिकॉज इसके बाद इट विल जस्ट बी टू लेट राइट सो वी हैव अ प्री प्लस मेन्स बैच रनिंग इसमें इंस्टॉलमेंट फेसिलिटीज भी अवेलेबल हैं साथ ही में ऐसे बैच जो है आप उसका कॉम्बिनेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं अलॉन्ग ऑप्शनल बैचेज भी अगर आप पोलिटिकल साइंस ज सो दिस इज स्पेशली फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी टू किड राइट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द प्रीलम्स हमारी प्रीलम्स टेस्ट सीरीज विद विद योर सोल्यूशन जो है अवेलेबल है और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन गो टू टारगेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन एट स्लीपी क्लासेज डॉट कॉम एंड नो मोर अबाउट दिस अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ ना द क्वेश्चन स्टेट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है अबाउट द वृक्ष वृक्ष आरोपण अभियान ठीक है रिसेंटली जो है चर्चा में रहा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट यू कीप रीडिंग पी आई बी की न्यूज बिकॉज इसमें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि ये एम करता है सेटअप करना इको पार्क एंड टूरिज्म साइट जो कि एक जगह एक एक जगह होगी जहां पे लोग जो है रिक्रिएशन एडवेंचर वाटर स्पोर्ट बर्ड वॉचिंग सो सोफोद कर सकते हैं आपके ऑप्शन है ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू डी नीदर वन नो टू यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज बी टू ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है बहुत चर्चा में था क्योंकि यूनियन मिनिस्टर जो है आज ही ये न्यूज में आया है पीआईबी में भी है ये लॉन्च करेंगे इस अभियान को कल दैट इज ट्वेंटी थर्ड जुलाई को राइट एंड ड्यूरिंग द लॉन्च इवेंट जो है ये इनोग्रेट करेंगे और फाउंडेशन स्टोन स्टोन ले करेंगे ऑफ सिक्स इको पार्क्स एंड टूरिज्म साइट्स राइट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है ये पूरा इवेंट होगा अक्रॉस मोर देन वन थर्टी लोकेशन ये जो अभियान है इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बल्कि इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल और ये इन्वॉल्व करती है सारी सारी कोल लिग्नाइट पीएसयूज़ को राइट right, जिसके uh, इस इस अभियान के अंतर्गत जो है व्हाट विल हैपन इज़ लार्ज स्केल प्लांटेशन होगी राइट विच विल बी कैरीड आउट इन माइंस कॉलोनीज़ जो है इनकी राइट right, जो आपकी कोल कॉलोनीज़ हैं उनके अंदर ऑफिसेस में एज़ वेल एज़ अदर सूटेबल एरियाज़ जहाँ पे कोल एंड लिग्नाइट पीएसयूज़ के जो है ऑफिसेस या प्लांट्स हैं राइट साथ ही में सीडलिंग्स जो है दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नियर बाय एरिया सो दैट पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी अराउंड देयर ऑल्सो प्लांट्स कैन बी ग्रोन। दीज इको पार्क्स एंड टूरिज्म साइट्स विल बी एवेन्यूज जहाँ पे रिक्रिएशन एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स वन सो फोर्थ कैन हैपन राइट दे पार्ट ऑफ योर टूरिज्म सर्किट गोइंग ग्रीन जो है इज अ की थ्रस्ट एरिया जो कि कोल सेक्टर के अंदर इनग्रेन किया गया है सो एज टू इंक्रीज ग्रीन कावर थ्रू इकोलॉजिकल रिक्ले रिक रिक्लेमेशन राइट इन

सेकेंड ये एक इनिशिएटिव है एम्पावर करने के लिए वुमेन को जिन्होंने फेस किया है वायलेंस एंड डोमेस्टिक अब्यूज सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस नेक्स्ट ये एक इनिशिएटिव है इनकरेज करने के लिए योगा फॉर मेंटल पीस एंड लास्ट है ये एक इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स पॉज करके मार्क कर सकते हैं आंसर रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है ये द आंसर इज डी राइट यूनियन मिनिस्ट्री जो एच की है उन्होंने लॉन्च किया मनोदर्पण इनिशिएटिव जहां पे वो साइको साइको सोशल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है ऑफर करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि उनकी मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग जो है इंश्योर हो सके राइट right? इसी के अंतर्गत जो है दे हैव प्रोवाइडेड अ वेब पेज बाय द नेम ऑफ मनोदर्पण दर्पण जहाँ पे इससे रिलेटेड चीजें जो है मैंशन है राइट right? एडवाइजरी uh, है टिप्स है ऑनलाइन क्वेरी सिस्टम है एफ एक्स है सो ऑन सोफोथ साथ ही में आपको एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं कॉल कर सकते हैं ये जो इनिशिएटिव है इट इज बीन इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान राइट right? जिसके थ्रू ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल जो है उसको स्ट्रेंथन और एम्पावर करने की भी जो है कोशिश की जा रही है ताकि उनकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज की जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ये आ चुका है राइट ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म आपके ऑप्शन थे इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेकेंड ऑप्शन बी जो है वो है पावर्स जो है क्लियरली डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स सी फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनईक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा एंड डी इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग फेडरेटिंग यूनिट्स सो वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस राइट जो कि पिछले सालों में आया है एंड करेक्ट आंसर इसका क्या है इसका करेक्ट आंसर है डी ठीक है सो एज वी ऑल नो कोई अग्रीमेंट नहीं था फेडरेटिंग यूनिट्स के बीच में दैट इज वाई इंडिया इज नोन एज वॉट एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स सो जो स्टेट्स हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते यूनियन से बट यूनियन के पास पावर है कि वो इनकी बाउंड्रीज चेंज कर सकता है इनका एरिया चेंज कर सकता है इनके नाम चेंज कर सकता है एंड सो ऑन सो फोर्थ नेक्स्ट आप क्वेश्चन अगेन जो है इज फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन अब कहता है डेमोक्रेसी की जो सुपीरियर वर्चू है इट लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इन टू एक्टिविटी वॉट ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को अगेन ये क्या है दीज आर वन ऑफ दोज एनालिटिकल क्वेश्चन इसीलिए आपको बार बार बोला गया है कि पोलिटिकल थ्योरी क्लास इलेवन की जो किताब है वो पढ़िए इट इज नॉट जस्ट फॉर पोलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स बट इन फैक्ट पॉलिटी में ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं सो इट्स इंपॉर्टेंट यू गो थ्रू दैट बुक आपके ऑप्शन है द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन बी मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप सी अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन एंड डी अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स ठीक है ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कीजिए एंड द आंसर विल सीम वेरी इजी इसका सही आंसर है ए राइट जो की है इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन अब डेमोक्रेसी क्या है डेमोक्रेसी का आइडिया है दैट इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल एंड इसकी फाउंडेशन किस पे रेस्ट करती है इट रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दैट एनी वन हुव एटीन ईयर ऑफ एज एंड अगर उनका वोटर कार्ड बना हुआ है अगर उनका नाम है इलेक्टोरल रोल पे तो उनके पास अधिकार है टू गो एंड राइट टू वोट इट इज गिवेन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड ये सिग्निफिक है कि किस तरह का एक ट्रस्ट और किस तरह का एक कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्ट किया था हमारे नथिंग शुड बी इंक्लूडेड एज अ कंडीशन टू गेट राइट टू वोट बट एनी वन एंड एवरी वन हर किसी के पास जो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज अबाउट नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड अगेन इट इज अ फंड जो काफी चर्चा में है राइट गिविन योर पहले कोविड uh, 19 जब उन्होंने बोला था कि दिस वोट बी सफिशंट देन अगेन आपका जो एंड सो ऑन सो फोर्थ राइट तो एनडीआरएफ जो है काफी चर्चा में रहा है इसके बारे में अब आपके दो जो स्टेटमेंट्स है दो हजार फर्स्ट की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि मैनेज की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेकेंड इट वॉज अर्लियर नोन एज द नेशनल कलेमिटी कॉन्टिंजेंसी फंड आपके ऑप्शन है ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू एंड डी नीद वन नो टू और इसमें सही ऑप्शन है आपका बी टू ओनली नाउ द एनडीआरएफ जो है इट इज मैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड फाइव विच डेफो मेक्स इट अ स्टैचरी बॉडी ये एक फंड है जो कि मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और क्या है इसका पॉइंट ये होप करता है कि एक्सपेंसिस जो है मीट कर सके ये फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन अगर कोई भी

पड़ गया इंपॉर्टेंटली इसका जो पैसा है इट कैन ओनली बी स्पेंड टू मीट एक्सपेंसिव फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ठीक है जहां पे मिटिगेशन की बात आती है मतलब हम एक डिजास्टर को मिटिगेट करने की बात कर रहे हैं या रिस्क रिडक्शन की बात कर रहे हैं या उसके इंपैक्ट या इफेक्ट को कम करने की बात कर रहे हैं तो एनडीआरएफ नहीं बल्कि एक सेपरेट फंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है विच इज द नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड ठीक है सो दिस वॉज ऑल फॉर द प्रीमिक्स टुडे प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन रिवाइज दैम लुक एट द वेरियस टेक्स जो कि आपको बोला गया है रिवाइज करने के लिए रेगुलरली जो है हमारी फाउंडेशन ऑफ नेशन जो जिसके अंदर करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो पढ़िए प्री की क्योर देखिए बिग न्यूज़ ऑफ द डे जो है उसको देखिए ताकि आपके जो करंट ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो भी स्ट्रेंथन हो सके ठीक है सो दिस वॉज ऑल फॉर द प्रीमिक्स टू डे थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर